रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। तेलंगाना में ट्रक बस की टक्कर में 7 लोगों की मौत। हैदराबाद, तेलंगाना के करीमनगर जिले में मंगलवार को एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बस को टक्कर मार दी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई तथा 15 अन्य घायल हो गए। ट्रक ने एक अन्य ट्रक से आगे निकलने के प्रयास में सड़क किनारे खड़ी तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम TSRTC की एक बस को टक्कर मार दी। ट्रक ने बस को पीछे से टक्कर मारी, जिससे यात्री सीटों में फंस गए। यह दुर्घटना हैदराबाद से 160 किलोमीटर दूर करीमनगर जिले के मनकोंडूरू ब्लॉक में चेंजरला के निकट घटी। वारंगल से करीमनगर जा रही बस का पिछला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। बचाव कर्मियों को शव निकालने में खासा मशक्कत का सामना करना पड़ा। चालक और परिचालक सहित कुल 40 यात्रियों को ले जा रही बस कुछ यात्रियों के आग्रह पर रोकी गई थी, जब ट्रक ने उसमें टक्कर मारी। बस के पीछे मौजूद एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति और एक साइकिल सवार भी इस दुर्घटना में घायल हो गए। मृतकों में 2 महिलाएं भी हैं। ट्रक चालक सहित अन्य घायलों को स्थानीय राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि सीमा से अधिक रफ्तार और रोड डिवाइडर न होने के कारण दुर्घटना हुई। 3 दिन के भीतर दूसरी बड़ी दुर्घटना। राज्य के वित्त मंत्री ई राजेंद्रन ने घटना स्थल पर पहुंचकर बचाव और राहत कार्य की निगरानी की। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और अधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ इलाज प्रदान करने का निर्देश दिया है। तेलंगाना में 3 दिनों में यह दूसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है। रविवार को भी सिद्दीपेट जिले में एक ट्रक ने राज्य परिवहन निगम की एक बस को टक्कर मारने के बाद एक कार और फिर विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य ट्रक को टक्कर मार दी थी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे।